हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम आपके लिए एक कॉमन वीडियो लेके आए हैं जिसमें लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो चल रहा है। उसका सलूशन क्या है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम आपको वो दिखाएंगे। तो मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे इनक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को खोल लिया है, हम कंप्यूटर में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए विंडोज़ बटन पर, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा run, रन पे मैंने क्लिक कर दिया है। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा PREFETCH और मैं इस पर ओके कर दूँगा। इसमें मुझसे परमिशन मांग रहा है कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इस सिस्टम का मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ये देखिए इतनी सारी फाइलें, कोई भी काम की फाइल नहीं है। ये फाइलें जब जनरेट होती हैं, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं, तो उससे सपोर्टिंग फाइल जो होती है, या हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं उसे क्लोज़ कर देते, तो उसकी सपोर्टिंग फाइल यहाँ पर आके एक सेव हो जाती है। इसे हमें खुद मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, ये अपने आप डिलीट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम सारी फाइलों को एक बार में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। बट ये जब आप डिलीट करेंगे तो रीसाइकल बिन में जाएंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब सारी फाइलें रीसाइकल बिन में चली जाएं सारा काम करने के बाद, तो आप रीसाइकल बिन को ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा, वरना फाइलें तो आपके सिस्टम में रहेंगी रहेंगी बट वो रीसाइकल बिन में चली जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर भी। तो रीसाइकल बिन को क्लीन करना मत भूलिएगा। मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। मैं दोबारा से वही प्रोसेस करता हूँ, ये खोल लिया मैंने, यहाँ पर run रन टाइप करा, उसके बाद फिर से मैंने रन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं टाइप करूँगा temp, मैंने इस पर ओके करा। ये चार पांच फाइलें हैं, मैंने इसे भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस पर डिलीट करा और यस करा। ये देखिए कुछ फाइलें होती हैं, कुछ सपोर्टिंग सिस्टम फाइलें होती हैं जो डिलीट नहीं होती, तो उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी फाइलें डिलीट हो गई हैं। थर्ड टाइम मैं सेम प्रोसेस दोबारा से करूँगा, और मैं दोबारा से run टाइप करूँगा, देन रन पे मैं क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा temp, इसके आगे एक परसेंटेज का मार्क लगा दूँगा और इसके बाद भी एक परसेंटेज का मार्क, और ओके कर दूँगा। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारी फाइलें हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। मैंने सारी सिलेक्ट कर ली हैं फाइलें, देखिए, और मैं डिलीट बटन पर क्लिक कर दूंगा और मैं इसे यस कर दूंगा, ये फाइलें डिलीट होंगी। मैं आपको बता देता हूं, ये जब तक डिलीट होती है मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूं कि हमारा सिस्टम स्लो क्यों होता है। हमारा सिस्टम इसलिए स्लो होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें फालतू की भी डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे हमें कुछ फ्री में मिल रहा है, लोगों की आदत होती है जो फ्री में मिल रहा है सब ले लो, बट सब नहीं, कुछ चीज़ें बेकार भी होती हैं जो बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। अब फ्री का लोग एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, बट वो क्या होता है, एक महीने का ट्रायल वर्जन होता है, उसके बाद डिलीट नहीं करते। वो डिलीट ना करना भी एक रीज़न होता है आपके सिस्टम को स्लो करने का, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी चीज़ मैंने कर दी है। मैंने आपको दिखाने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड करा हुआ है इसे, जिसमें मैंने रजिस्टर्ड नहीं करा है। देखिए ये क्विक हील का एक एंटीवायरस है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, देखिए नॉट रजिस्टर्ड है। अभी ये नॉट रजिस्टर्ड है, ये रेड हो रखा है, इट मीन्स ये खुद एक वायरस का काम कर सकता है, मेरे सिस्टम को स्लो कर सकता है, क्योंकि ये बार बार बोलेगा कि आप अपनी जो चीज़ है इसे डिलीट कर दीजिए या इसे रजिस्टर्ड करिए। तो अब मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, रजिस्टर्ड में लाइसेंस बाद में ख़रीदूँगा तो इसे रजिस्टर्ड कर लूँगा। इसके लिए मैंने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कर दिया है, अपना कंट्रोल पैनल खोल लिया है। कंट्रोल पैनल में खोलने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। कैटेगरी सेलेक्ट करते ही देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, अनइंस्टॉल है प्रोग्राम। यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ नहीं है हम उसे डिलीट कर सकते हैं। मैंने क्विक हील सेलेक्ट करा, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अनइंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कीप अपडेट डेफिनेशन वाले रिमूव क्विक हील कम्प्लीटली, तो मुझे कम्प्लीटली रिमूव करना है इसे। कोई भी चीज़ को जब आप रिमूव करते हो तो कम्प्लीटली करिएगा, उसकी सपोर्टिंग फाइल मत छोड़िएगा,
क्योंकि उसकी सपोर्टिंग फाइल रहेंगी तो वो बार बार बोलेंगे कि हमारा एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, बैकग्राउंड से यही वर्क करती रहेंगी, आपका सिस्टम स्लो ही रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चीज़ें होती हैं। और अब जब ये हम सारा प्रोसेस कर देंगे तो हम आपको दिखेंगे कि हमारे इंटरनेट स्पीड वगैरह पे भी लोगों का बहुत फ़र्क पड़ता है। कि कई बार क्या कहते हैं कि आपने इंटरनेट लगवा रखा है बट पीछे से आपका जिससे आपने लगवा रखा है वो बोलता है स्पीड पूरी है बट आपको स्पीड पूरी नहीं मिल पाती। वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी मैं क्विकल डिलीट कर रहा हूँ, देखिए मेरा क्विकल डिलीट हो रहा है, सपोर्टिंग फाइल्स आर एडिट 23% 26% इस हिसाब से होता जा रहा है। अभी देखिए और मैं हाथ के साथ एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आ गया है, फाइंड एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑनलाइन, मतलब अब आपको ये विंडो कह रही है कि डिड नॉट फाइंड एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन दिस कंप्यूटर, मतलब आपका कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई एक एंटीवायरस रख लीजिए। तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, विंडो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस देती है, वो कौन सा है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपकी विंडो चलेगी, जब तक आपका विंडो का लाइसेंस है, जब तक वो एंटीवायरस का भी लाइसेंस रहेगा रहेगा। वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊँगा। अभी मेरा ये एंटीवायरस अनइंस्टॉल हो चुका है, ये रीस्टार्ट नाउ रीस्टार्ट लेटर कह रहा है, हमें रीस्टार्ट नाउ करना चाहिए बट मैं भी रीस्टार्ट लेटर करूँगा क्योंकि मुझे वीडियो भी आगे कंटिन्यू करनी है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा, मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा, जल्दी जल्दी करके मैं आपको वीडियो कम्प्लीट कर दूँगा। मैंने दोबारा से इसे खोल के यहाँ पर रन टाइप करूँगा, रन टाइप करने के बाद ये रन करके खुल गया है। मैं इसमें एक टाइप करूँगा कमांड MSCONFIG, दोबारा लिख लीजिएगा MSCONFIG और मैं ओके कर दूँगा। ये MS कॉन्फ़िग करके करिए, यहाँ पर देखिए मैं स्टार्टअप वाला क्लिक करूँगा, स्टार्टअप मैंने स्टार्टअप क्लिक कर दिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब पे क्लिक होता है, जो ये मैंने अनटिक कर रखे सब पे टिक होता है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ये अडोब का है, ये एवरीडे है इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट का है, आप इन्हें हटा सकते हैं। बट जैसे गूगल क्रोम है, मैं गूगल क्रोम को हटा सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इसे हटा सकता हूँ, बट ये सबसे ऊपर वाला है ऑडियो मैनेजर का, इसे नहीं हटा सकता क्योंकि इसे स्पीकर की ऑडियो चलती है। ये स्पीडीफाई करके है, ये कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इसे हटा सकता हूँ, इसे भी हटा सकता हूँ, यू टोरेंट को हटा सकता हूँ, जावा को नहीं हटा सकता क्योंकि जावा रिलेटेड चीज़ें होती है, विंडोज़ के ये नहीं हटा सकता। अगर इसे हटा दिया तो विंडोज़ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये वायरलेस का मेरा एक कार्ड लगा हुआ है तो इसे भी नहीं हटा सकता, अगर वायरलेस का कार्ड हटा दूंगा तो मैं नेट कैसे चला पाऊंगा। इसको हटाने के बाद देखिए मैंने जो काम की चीज़ें नहीं है केवल उन्हें ही हटा रखा है। VMware वर्क स्टेशन है, वेब सर्विसेज है, ऑफिस 2013 है जिसे मैं मैनुअल चला सकता हूँ, बट जो काम की चीज़ नहीं है मैंने उसे हटा के अप्लाई करा एंड ओके करा। ये भी रीस्टार्ट मांगता है, मैं इसे भी एग्जिट अभी विदाउट रीस्टार्ट कर देता हूँ। अभी हमने सारी चीज़ें हटा दी हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आपके सिस्टम में मैक्सिमम दो ब्राउज़र से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वैसे तो एक ही होना चाहिए बट आपको ज़रूरत है तो आपके दो से ज़्यादा ब्राउज़र तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये भी एक सिस्टम स्लो का कारण होता है। मेरे सिस्टम में 2-3 ब्राउज़र हैं क्योंकि मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैंने रखा हुआ है, बट मेरा सिस्टम फिर भी सही चलता है। मेरे में फायरफॉक्स भी है, क्रोम भी है और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो है ही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारी वीडियो थी। इसके बाद मैं सिस्टम को अपने को रीस्टार्ट करूँगा तो मेरे सिस्टम की स्पीड में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, ये ठीक चलेगी। मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी सजेशंस देना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।